रुद्रपुर दिनेशपुर के दो बार के पूर्व विधायक रह चुके प्रेमानंद महाजन ने कहा कि केंद्र द्वारा जो तीन काले कानून बनाए गए हैं उसका घोर निंदा करता हूं तथा केंद्र को मीडिया के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि इस काले कानून को अतिशीघ्र मोदी सरकार वापस ले अन्यथा आने वाले समय में मुंह की खानी पड़ेगी। मीडिया के पूछे सवाल पर कि दिनेशपुर गदरपुर विधानसभा छोड़कर पूर्व के चुनाव में रुद्रपुर से चुनाव लड़ने का क्या कारण था, उन्होंने स्पष्ट जवाब न देते हुए कहा कि हाईकमान का आदेश था का पालन करना था और अब मैं कांग्रेस पार्टी में एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूं। यह पार्टी हाईकमान का निर्णय है। 2022 में चुनावी समर में किस उम्मीदवार को क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी घोषित करती है, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही के रूप में जनता के बीच में जनसंपर्क बनाया हुआ हूं। 2022 के चुनाव की तैयारी में लगन के साथ लगा हुआ हूं और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्यक्रम सुचारू रूप से मेरे द्वारा चलाया जा रहा है। रुद्रपुर से एस के मिश्रा की रिपोर्ट। छोटा सा सवाल रह गया था, जैसा कि इस समय देश की जो हालत है, जो हमारी जो भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार है, वो जो तीन काले कानून क्षेत्र के किसानों के ऊपर, देश के किसानों के ऊपर लागू किया है, उस काले कानून के बारे में प्रेमानंद महाजन जी आपसे स्पष्ट जानकारी चाहूँगा कि बंगाली समाज का क्या रुझान है, कांग्रेस पार्टी का क्या रुझान है जो इस तीन काले कानून का विरोध किया जाए। देखिए, जो ये जो तीन काले कानून मोदी सरकार ने किसानों पे थोपा है, इसका पुरजोर विरोध हो रहा है। जिस दिन इस कानून को पारित किया गया है, एज ए एक व्यक्ति प्रेमानंद महाजन, किसान का बेटा प्रेमानंद महाजन ने उसी दिन से ही विरोध शुरू कर दिया था और आज तक ये समझ लीजिए इस क्षेत्र में जो भी किसानों के तरफ से जो भी आयोजन विरोध करने के लिए किया गया उसमें प्रेमानंद महाजन समान रूप से, ये समझ लीजिए, अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर भागीदारी किया। और जहाँ तक कांग्रेस का रुख की बात है तो हमारे हाईकमान, हमारे राष्ट्रीय नेता, कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने खुलेआम विरोध किया और कर रहे हैं, और कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं उन्होंने पहले दिन से ही किसानों को आंदोलन का समर्थन किया और आज भी कर रहे हैं। अभी रुद्रपुर में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ, उसमें मेरे क्षेत्र से हजारों लोगों के साथ मैंने शिरकत किया। और जहाँ तक बंगाली समाज के लिए स्पेशली आप जानना चाह रहे हो तो मैं समझता हूँ कि उस भीड़ में 5-7 हज़ार 10 हज़ार बंगाली समाज के लोग थे। खाली दिनेशपुर क्षेत्र से नहीं, रुद्रपुर क्षेत्र से भी विधानसभा से लोग निकल के गए, सितारगंज से लोग चलकर आए, तो आसपास जहाँ भी जो किसान है बंगाली समाज के, मैं समझता हूँ आज के तारीख में अधिकांश लोग इस कानून का खिलाफत कर रहे हैं। और खुद आप ही कह रहे हो कि ये काले कानून है, तो आप समझ लीजिए जे ये कानून किसानों के खिलाफ बना है, किसानों को बंधुआ बनाने के लिए कानून पारित किया गया है। माननीय मोदी जी अपने कॉरपोरेट मित्रों के फायदे के लिए कानून बनाए हैं जिसका पुरजोर विरोध हो रहा है। और इस बात का, ये जो उनका जो अड़ियल है, जो वो सत्ता के उच्च पदों में बैठकर जो मैंने कहना चाहिए थे सर्वोच्च पद पे, हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर जो वो किसानों के साथ हठधर्मिता कर रहे हैं, तो इसका दुष्परिणाम उनको 22 में भोगना पड़ेगा। अभी पंजाब के आपके जो नगर निकाय के चुनाव में पता लग गया, आपके हरियाणा के संकेत आने लग गए, उत्तराखंड का आप सर्वे करा लीजिए। प्रेमानंद महाजन विधायक मंत्री बने या ना बने, परंतु यहाँ से बीजेपी की सरकार जा रही है। 2022 में जो भी गवर्नमेंट बनेगा बीजेपी का नहीं बनेगा, ये आप जान लीजिए। क्योंकि अच्छा महाजन जी, अगर ये तीन काले कानून अगर केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है, तो जैसा आपका स्पष्ट कहना यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी और केंद्र में जब चुनाव होगा 2024 में, तो अगर ये काले कानून लागू रहते हैं, नहीं हटते हैं, तो उस समय परिणाम क्या होगा भाजपा का? देखिए, हम लोग विपक्ष में हैं, किसान इस समय प्रमुख विपक्ष का भूमिका किसान भी निभा रही है। किसान पंचायतें जो हो रहा है उन लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि यदि आपके ये सरकार इस कानून को रद्द नहीं करती है तो बीजेपी को वोट मत दो, इन लोग अपील कर रहे हैं। और इसमें चाहे वो किसान नेता लोग हो, चाहे अपोजिशन के लोग हो, जिन लोग इस कानून का मोदी जी का विरोध कर रहे हैं,
तो उनके पास और क्या है, कोई और तो रास्ता बचा नहीं है। लोकतंत्र में विरोध ही तो कर सकते हैं, उसको कर रहे हैं। और जनता जब समझ जाएगी तो 2022 बहुत 2022 तो आ ही गया, 2024 बहुत दूर नहीं है। साफ तौर से प्रेमानंद महाजन का कहना है कि वो एक किसान के बेटे हैं और विधायक बाद में है, किसान के बेटे पहले हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि अगर केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों के ऊपर जो 3 काले कानून लागू किए गए हैं, अगर उसको केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो आने वाले चुनाव में 2022 में 2024 में